नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम कुछ मल्टी वैगर शेयर्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो गिरते बाजारों में मल्टी वैगर शेयर्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पर ही बातचीत करनी चाहिए। आज हम मल्टी वैगर स्टॉक मैक्रोटेक डिवेलपमेंट पर चर्चा करेंगे। जेफरीज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है की रिपोर्ट भी देखेंगे, इस पर उसने एक बहुत शानदार रिपोर्ट दी है, उसको भी देखेंगे। मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड मुख्य रूप से रियल एस्टेट विकास के व्यवसाय में लगी हुई है। यह MMR मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे बाजारों में उपस्थिति के साथ भारत में सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। यह भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। 1980 के दशक में स्थापित हुई थी। MMR बाजार में 85 से अधिक संपत्तियां डेवलप की हैं। 33 परिचालन योजनाएं हैं। इसकी उपस्थिति लग्जरी प्रीमियम मध्यम आय और किफायती खंड में भी है। 60% राजस्व है जो किफायती और मध्यम आय खंड से ही आता है। कंपनी के ब्रांड किफायती वर्ग में है जो लोडा CASA क्राउन आदि हैं। अपने लग्जरी आवास परियोजनाओं के लिए लोडा लग्जरी ब्रांड और आई थिंक लोडा एक्सीलेंस अपने कार्यालयों के स्थानों के लिए इसने सिग्नेट ब्रांड रखा है। कंपनी की कीमत FY26 तक 5 बिलियन नेट इनकम करने की है और FY31 तक तो 15 बिलियन शुद्ध आय प्राप्त करने की है। यह कंपनी का फोकस है आगे के लिए। तो मार्केट कैप है जो इसकी 1,07,487 करोड़ है। अच्छी खासी कंपनी है। मौजूदा कीमत 1,081 रुपये है। 52 बीक हाई एंड लो 1,278 रुपये और 388 रुपये है। स्टॉक P62 है। सेक्टर P106 है। ROE 10% है, 10.10% है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड है जो वो 8.76% है। दोनों ही थोड़ी कम नजर आ रही है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने कर्जा कम किया है। 3 वर्षों में इक्विटी पर रिटर्न है जो वो 11% है वो कम नजर आती है। यह इसका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं। कंपनी ने शानदार तिमाही और वार्षिक नतीजे पेश किए हैं। TTM नतीजों में अच्छी लाभप्रदता दिखाई है। रिजर्व 12,024 करोड़ है। बोरिंग है जो 8,740 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 567 करोड़ की है जो बढ़ के हो सकता है 2,000-3,000 करोड़ भी हो गई हो। प्रमोटर होल्डिंग 72.67% अच्छी खासी है। FII 23.26% है। DII 3.32% है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 1% से भी कम पब्लिक के पास इक्विटी है। जेफरीज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक पर कहा है कि हाउसिंग अब साइकिल से इस कंपनी को बड़ा फायदा मिल सकता है। कंपनी के पास मुंबई के सब अर्बन इलाके में 600 मिलियन वर्ग फीट की टाउनशिप लैंड बैंक है। इसके आसपास तेजी इंफ्रा डेवलपमेंट को देखने को मिल रही है। जमीनों की कीमतों में बदलाव आ रहा है, जमीनों की कीमतें बढ़ रही है। जेफरीज ने इस स्टॉक को लेकर कहा है कि 2029 तक यह शेयर 3,000 रुपये के भाव तक पहुंच सकता है। बहुत बड़ी फर्म है, अगर उसने कहा है तो उसका कुछ मायने है। 29 जनवरी 2024 को मोतीलाल ओसवाल ने खरीदना टैग के साथ 1,295 रुपये का लक्ष्य दिया है। आप इस शेयर पर निगाह बना के रखिए, बहुत अच्छा शेयर है। डेवलपमेंट का हो सकता है थोड़ी देर ना चले, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये बहुत ही अच्छा शेयर है। तो दोस्तों, दो और शेयरों पे बात करेंगे हम। बात तो तीन पे करनी थी लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। आज हम एक योजना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का फायदा 3 कंपनियों में देख रहे हैं, तो उनको हम बात करते हैं। टाटा पावर पहली बात करते हैं हम। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड मुख्य रूप से बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण के व्यवसाय में शामिल है। इसका लक्ष्य पूरी तरह से नवीकरणीय रिन्यूअल सोर्सेज के माध्यम से बिजली का उत्पादन करना है। यह सौर छत पर भी बनाती है रूफ सोलर रूफ्स।
बनाती है। 2025 तक 1,00,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना बना रही है। कंपनी भारत की सबसे बड़ी लंबवत एकीकृत यूनिफाइड बिजली कंपनी है। बाजार का आकार 1,22,382 करोड़ है। मौजूदा कीमत 383 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 433 रुपये और 182 रुपये है। स्टॉक पी 35 है, सेक्टर पी 24 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6% है। आरओसी 11.70 है। डेट टू इक्विटी 1.7 है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। पिछले 5 वर्षों में 44.90% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दी है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ कम है। कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए। प्रमोटर्स के पास 46.86%, FII के पास 9.85%, DII 16.11% की इक्विटी रखते हैं। 13/12/23 को शेर खान ने खरीदना टैग के साथ 390 रुपये का टारगेट दिया है। टॉप सेलर पावर सिस्टम को बम्पर रिस्पांस मिला है जो अभी आई है। वो अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के आवेदन आ चुके हैं। इस पूरी स्कीम में 75,000 करोड़ रुपए निवेश होने हैं। पीएम सूर्य घर योजना के बाद पावर शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। टाटा पावर के पास 18,700 करोड़ रुपए की सोलर ईपीसी ऑर्डर बुक है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉल क्षमता 11 गीगावाट है, जबकि कुल सोलर क्षमता 72 गीगावाट है। इस शेयर पर नजर बना के रखिए। 3 महीने में 14%, 1 वर्ष में 86% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, दूसरा हमारा शेयर है जिसको फायदा इससे हो रहा है, इस स्कीम से, पावारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है। इस संबंध में परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती है। बाजार का आकार 16,160 करोड़ है। मौजूदा कीमत 1,552 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1,641 रुपये और 144 रुपये है। स्टॉक पी 152 है, सेक्टर पी 131 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 83.80% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 95.80% है। इक्विटी पर जो डेट है वो 0.46% है, 0.46 है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने 5 वर्षों में 261% की CGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी पर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 56.80% है। कंपनी ने अच्छे तिमाही और वार्षिक नतीजे पेश किए हैं। रिजर्व है जो कंपनी के पास 92 करोड़ का है और बोरोइंग है जो वो 39 करोड़ की है। प्रमोटर्स के पास 74.48% की इक्विटी है। 3 महीने में इसने 356% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में 1 वर्ष में 1,030%, 3 वर्ष में 16,747% का रिटर्न दिया है। 1 साल की फोरकास्ट 4,053 रुपये है। पिछली बैकग्राउंड को देखकर ही आगे फोरकास्ट की जाती है। 5 वर्ष का अनुमान 14,519 रुपये है। पीएम घर मुफ्त बिजली योजना का फायदा वारी रिन्यूएबल को भी होगा। यह कंपनी ईपीसी सोलर कामकाज करती है। कंपनी के पास संभावित 210 गीगावाट संभावित क्षमता है। कंपनी के पास 749+ मेगावाट की ऑर्डर बुक है। LNT, BPCL, ArcelorMittal, RIL, अडानी मुंबई मेट्रो कंपनी के प्रमुख ग्राहक हैं। इस शेयर पर भी निगाह बना के रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। हमें आपकी अप्रिसिएशन की अपेक्षा रहती है। आप हमारा वीडियो अपना समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए हमारा चैनल आपका धन्यवाद करता है। थैंक यू वेरी मच।